8 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस का कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि एक्स या तो 0 से लेस देन है या 0 से ग्रेटर है, और एफ एक्स का वैल्यू के दिया है जब एक्स जो है 0 के इक्वल, ये कंटिन्यूअस है 0 पर, तो के का वैल्यू निकालना है। चलिए पहले इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस, और फंक्शन आपका एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस। अच्छा यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा 0 से लेस देन के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का कॉस एक्स वाई में एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस, इसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और बाई में नीचे एक्स स्क्वायर है, एक काम करते इसमें 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। ये तो यहाँ 2 बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर दे या फिर इसको आप यहीं पे काट दो, 1 बाई 2 हो जाएगा। चलिए 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन एक्स बाई 2 और बाई में एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसका तो वैल्यू 1 ना हो जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी ये 1 बाई 2 ही आ जाएगा। फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस और फंक्शन आपका है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पावर में प्लस एफ एक्स का वैल्यू, तो 0 से ग्रेटर के लिए, 0 से ग्रेटर के लिए यही है 1 माइनस का कॉस एक्स बाई में एक्स स्क्वायर, और इसको भी सेम यही प्रोसेस से करेंगे तो इसका वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा। अच्छा एफ 0 का वैल्यू, तो 0 पर फंक्शन का वैल्यू है के, आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के और इक्वल हो जाएगा किसके, एफ 0 के। तो इनका वैल्यू क्या आया है, 1 बाई 2, 1 बाई 2 ही ना आया जी, तो 1 बाई 2, 1 बाई 2 इक्वल टू के, तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ गया 1 बाई 2। समझ गया, क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर